There's only one condition my father laid to my mother, that if we have a child, whatever the gender, it can be any gender, a girl or a boy, but we are not going to have more than one child. And I was born, and my father after that did the family planning, not my mother. So I really say this, it was 50 years ago, 5 decades, when nobody talked about Beti Padhao or Beti Bachao. I come from a family, and same is applicable to my friend Kanimoli. Her mother also chose to have only one child as her parents have had. So we come from these families. You also, Rajaji also has only one child, one daughter. So we are very lucky about, you also have one daughter. This is a great house where we are blessed that in decades we are genuinely liberal. Unless we have a delimitation and census, we are not going to get it, is what I've understood from this. Yes. So then what is this special session? To abhi nahi karte, to December mein kar lete. We could have had other discussions. There's drought in this country. Why this special session cannot discuss drought? We could have died hoodwinking. हम एक लड़की हैं या हम एक चाइल्ड हैं, ऐसा बोलते हुए मैंने अभी कई मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुना है। बहुत खुशी होती है कि ऐसे निर्णय भी बड़े लीडर्स ने अपने परिवार से शुरुआत की, और हमारे महाराष्ट्र में कई आरक्षण जिला परिषद ग्राम पंचायत जितनी भी हैं उसमें आरक्षण हमें मिला गया है। पर मेरा एक सवाल भी रहेगा सर, कांग्रेस पक्ष ने आज सोनिया गांधी जी ने समर्थन दिया, उन्होंने कहा ये सपना हमारा था, हमने ये बिल लाया था, तो मुझे उनसे भी एक प्रश्न पूछना है कि 27 सालों में अगर ये आपकी इच्छा थी, आपका सपना था, तो 27 वर्षों में आप ये पूर्ण क्यों नहीं कर सके? मोदी जी की सरकार को सिर्फ 9 वर्ष हुए, इतनी मंशा अगर स्पष्ट थी तो महाराष्ट्र की बात करते समय जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो इनको ये भी उत्तर देना पड़ेगा कि आज तक महिलाएं ना ही कभी मुख्यमंत्री का पद उन्हें कभी दिया गया, ना ही उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। इन्होंने ये भी उत्तर देना चाहिए, अगर महिलाओं पे इतना प्यार और विश्वास है तो आज महाराष्ट्र में आज तक महिलाओं पे इतना विश्वास क्यों नहीं दिखाया गया? सिर्फ शब्दों में विश्वास, सिर्फ मतदानों के लिए विश्वास। मुझे लगता है महिलाओं का इस्तेमाल आज तक किया गया है मतदानों के द्वारा, पर मोदी जी ने हमारी भावनाएं, हमारी, ऐसा नहीं है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तभी हम लड़के पार्लियामेंट में आएंगे, नहीं सर, हमारे ग्रेट लीडर्स ने, हमारे ग्रेट हीरोज ने, सभी ने, डोंट डिस्टर्ब सर, महिलाओं को बोलते हुए बीच में टोकना आपके लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है तो दिस पार्लियामेंट हैज टू लिसन, एंड आपके तरफ से तो ज्यादा सुनना चाहिए जिन्होंने 60 वर्ष राज किया और महिलाओं के सिर्फ मतदान का अधिकार यूज किया, बाकी महिलाओं के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो मुझे लगता है, यस सर,